લિંબાયતમાં કોંગ્રેસના પ્રચાર માટે રાજ્યસભાના સાંસદ અને કવિ ઇમરાન પ્રતાપ ગઢીની સભા રાખવામાં આવી હતી। गुजरात विधानसभा इलेक्शन ने लई सूरत में चूंटणी माहौल जबरदस्त गरमाई रह्यो छे, जेने लई तमाम राजकीय पार्टी दिग्गज नेताओं चूंटणी प्रचार अर्थे सूरत आवी रह्या छे। गत रात्रिए कोंग्रेसना राज्यना सभाना सांसद इमरान प्रताप गढ़ीनी सभा लिंबायत विस्तार में योजाई हती। आ सभा में इमरान प्रताप गढ़ीए भाजप सामे आकरा प्रहारों करता जणाव्युं हतुं के गुजरात राज्य में दारूबंदी होवा छतां અહીં લઠ્ઠાકાંડ સર્જાય છે અને તેમાં લોકો મરી ગયા હોવા છતાં મુખ્ય ગુનેગારો સામે કડક પગલાં ભરવામાં આવતા નથી। ઇમરાન એક કવિ હોવાથી તેઓએ પોતાના અંદાજમાં લોકોને મંત્રમુગ્ધ કર્યા હતા। કેમેરામેન હકીમ શેખ સાથે વસીમ હાસમીનનો રિપોર્ટ, આઝાદ ન્યૂઝ સુરત। બેનકાબ કર રહે હૈ, હમ સવાલ ઉઠા રહે હૈ કે શરાબબંધી કે નામ પર गुजरात का प्रचार किया जाता है और 70 से ज्यादा मौतें जहरीली शराब से पिछले दिनों हुई हैं। मोरबी में 141 जो लाशें बिछी हैं उसके असली गुनहगार गायब हैं, बेरोजगार परेशान हैं, उनके पर्चे लीक हो रहे हैं, महंगाई आसमान पर है। हमारा मुद्दा ये है, हम उस पर सवाल उठा रहे हैं और जनता किस तरह कनेक्ट कर रही होगी मीडिया के साथ ही इस बात को देख रहे हैं। पिछली बार आप 6 सीटों से चूके थे, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस इस बार कामयाब होगी? बिल्कुल, हम पिछली बार चूक गए थे और इस बार उस चूक को हम पूरा करने जा रहे हैं, हम उस कसर को पूरा करने जा रहे हैं। कांग्रेस यहां पर फुल मेजोरिटी के साथ सरकार बनाने जा रही है। आम आदमी पार्टी से कोई नुकसान कांग्रेस को आपको दिख रहा है? आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी बन के आ रही है। अभी आप दिल्ली में उनकी नूरा कुश्ती देख रहे होंगे। आम आदमी पार्टी के मंत्री जो है वो मसाज करवा रहे हैं जेल के अंदर और भारतीय जनता पार्टी उसके वीडियो रिलीज कर रही है, नूरा कुश्ती चल रही है। भारत जोड़ो जो यात्रा राहुल गांधी की है, गुजरात को उसमें शामिल क्यों नहीं किया? देखिए, उसका एक रूट बना कन्याकुमारी से कश्मीर का, तो वो रूट ऐसा था कि उसमें गुजरात का राज्य जो है वो नहीं आ रहा था, वो टेक्निकल प्रॉब्लम थी। इतना वो सीधा एक रूट बना हुआ है, आने वाले दिनों में हम गुजरात में भी भारत जोड़ो यात्रा निकाल वहाँ पर उनको मिल रहा है। क्या आपको लगता है कि बड़ी बड़ी तादाद में मैं लगातार देख रहा हूँ, गुजरात में आशीर्वाद राहुल जी के साथ है। यहाँ के लोग कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में जिस तरह से आए, उसने भी हमारी भारत जोड़ो यात्रा को बहुत मजबूती दी है। वो शानदार, लोगों का जोश बता रहा है कि सभा बहुत अच्छी है और गोपाल जी के लिए, कांग्रेस के लिए लोगों के मन में विश्वास है, लोग वोट देने के लिए तैयार है। अपक्ष खड़े नहीं है, खड़े किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अपक्ष के उम्मीदवार ढूंढ ढूंढ के खड़े किए गए हैं ताकि वोट काट सके। लेकिन अब जनता बड़ी समझदार है, जो नई नस्ल है ये बहुत समझदार है, इसे पता है कि बहुत बुलंद फजा में तेरी पतंग सही, मुझे खबर है मगर डोर किसके हाथ में। इस जनता को पता है कि डोर कहां पर है, ये डोर काट देंगे। लगता है अगर समीकरण ये बनते हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर सरकार बनाए तो फिर क्या होगा? आम आदमी पार्टी गुजरात में अपना खाता नहीं खोलने जा रही है, आप लिख के ले लीजिए। आपको लगता है कांग्रेस समक्ष रहेगी और मजबूत रहेगी इस बार? कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, मजबूत नहीं, बहुत मजबूत रहेगी। ये काम आपका है, मीडिया के साथ ही होगा।